हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि व्हाट इज कंबस्शन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। ओके, तो हमने पढ़ा कि कंबस्शन के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज फ्यूल यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज सपोर्टर फॉर कंबस्शन। एंड द थर्ड वन इज हीट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, यानी कि जो हम जैसे कैंडल जला के इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को जलने के लिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हम मैचस्टिक जला के किसी पेपर को जलाते हैं, तो मैचस्टिक से हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नोन एज ऑल्सो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमें फायर के लिए चाहिए। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके। सो फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है एक स्लो कंबस्शन है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, रेस्पिरेशन में जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, उसका कंबस्शन होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, चूल्हा या अंगीठी जो कि घरों में यूज की जाती है, कई घरों में चूल्हा जो है वो यूज करते लोग खाना बनाने के लिए। तो जब उस चूल्हे में लकड़ी जलाई जाती है, जब लकड़ियाँ रखी जाती हैं, तो बीच में गैप रखा जाता है, इस तरह से गैप रखा जाता है ताकि उसको उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रेगुलर मिलती रहे। तो इससे प्रूव होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग के लिए कंपलसरी है। और जो अंगीठी होती है जो सेकने के लिए यूज़ की जाती है, जो लोहे की बनी हुई है, मार्केट में भी मिल जाती है, उनमें आयरन बार्स रखे जाते हैं जिनमें बीच में गैप होता है ऑलरेडी, वो भी इसीलिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बर्निंग प्रोसेस में कंबस्टिबल फ्यूल को मिलती रहे। नाउ इज इग्निशन टेम्परेचर, हमने कल पढ़ा था कि इट इज़ अ मिनिमम टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर जो है, अब आपने देखा होगा कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनको जल्दी आग लग जाती है, पेट्रोल, डीजल, LPG एट्सेट्रा। लेकिन अगर हम एक वुड का एक बड़ा लॉग लें और इसको जलाने की कोशिश करें, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है जलाने के लिए एज़ कम्पेयर टू पेपर और केरोसिन। तो इससे ये पता चलता है कि सभी सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर सिमिलर नहीं होता, कईयों का कम होता है, कई सब्सटेंसेस का ज़्यादा होता है। देखिए, इग्निशन टेम्परेचर लो है, कम है किसके लिए, जैसे अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन, LPG एट्सेट्रा, और हाई है वुड के लिए। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑयल इन फ्राइंग पैन कैच फायर व्हेन केप्ट लॉन्ग टाइम ऑन गैस स्टोव। जब हम गैस, मान लीजिए खाना बना रहे हैं गैस के ऊपर और उसमें ऑयल डाला है हमने, अगर उस ऑयल को ऐसे काफ़ी देर तक उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, तो उसके बाद क्या होता है, ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो आ जाता है और कई बार उस ऑयल में आग लग जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कुकिंग ऑयल जो है फ्राइंग पैन में उसको काफ़ी देर तक हीट किया जाए, तो इसका आंसर यही होगा कि उसमें फायर लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि उस ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वहाँ तक वो ऑयल जो है वो रीच कर चुका था, इसकी वजह से
उसमें फायर लग जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स गर्मियों में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर में जो ड्राई ग्रास होती है, घास वगैरह होती है, या पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से हल्की सी चिंगारी भी अगर उनको मिल जाए तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फायर लग जाती है, और जिसको हम फॉरेस्ट फायर कहते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब्सटेंसेस के ऊपर। अब सन जो है, जो कि इतना बड़ा सोर्स है एनर्जी का, वो हमें कैसे हीट और लाइट देता है, ठीक है, कैसे देता है देखते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से जो कि सन के अंदर हो रही है वो हमें हीट और लाइट दे रहा है। नाउ व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस? न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एटम्स होते हैं, जिनसे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे ये एटम की स्ट्रक्चर है, बनाई हुई है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और प्रोटॉन इसके अंदर होता है, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब जितने भी मैटर है वो सब पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और सभी पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स से मिले हुए बने हुए हैं। अब ये एटम जो है सबसे छोटा मटेरियल है, आप कह सकते हैं सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का। तो ये न्यूक्लियस जो है, जबकि ये दो सब्सटेंसेस का न्यूक्लियस जो है कोलाइड करता है, टकराता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वही न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाती हैं। अब सन के अंदर कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है? देखिए, चार तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, फिशन, फ्यूजन, न्यूक्लियर डिके एंड ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि जो दो एक पार्टिकल एटम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू में। जैसे इस तरह से ये चलती चलती है चेन, इस तरह से ब्रेक करते चलते हैं और एनर्जी रिलीज होती रहती है। फ्यूजन में क्या होता है? दो न्यूक्लियाई आपस में ज्वाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम जो है ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और हीलियम एलिमेंट बन रहा है विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और ये सारी रिएक्शन जो है वो सन की कोर में हो रही है, सेंटर में, ठीक है। अब सन, आपने सुना होगा कि अगर हम अपने थोड़ी देर के लिए सन में जाएं, एक्सपोज करें अपनी बॉडी को सन में, तो विटामिन डी फॉर्म होता है। कैसे होता है? एक्चुअली जो सन है वो एनर्जी दे रहा है, ठीक है, और देखिए हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि फैट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। और मान लीजिए हम मिनिमम 10 या 15 मिनट्स के लिए भी अगर सन में जाते हैं तो हमें ये विटामिन डी फॉर्मेशन में हेल्प मिल जाती है। इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल करेंगे।